हमारी कॉम सारे की ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, बंद करो। पता नहीं इस माइक से उनकी रिकॉर्ड हो रही है। गजब को बुलंद आवाज। देखो तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग देखा था एक फॉर्मूला ये देखा था, ठीक है, और दूसरा देखा था साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है इन जनरल। हम कहेंगे अप्लाई करेंगे, एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ के एक्स है अपॉन एक्स है, तो ये क्या आता है, के आता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन इसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे आप, है ना। तो देखिए प्रूफ, तो हम लोगों ने कहा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स है। तो क्या किया हम लोगों ने, के से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, नीचे न्यूमरेटर में, अब के ऊपर एडजस्ट कर लिया ताकि स्ट्रक्चर में चेंज तो दिखे लेकिन वैल्यू में चेंज ना दिखे। अब के कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर चला जाएगा, के बाहर आ गया, और इसको लिख सकते हो आप लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन के एक्स अपॉन क्या हो जाएगा के एक्स, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं के एक्स को, टी एज्यूम कर लेते हैं, के एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया। अब देखिए पूरी लिमिट को हम टी में ले आएंगे, तो ये यहां पे आपको क्या दिखेगा, ये तो टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और नीचे भी टी हो जाएगा। अब यहां देखिए लिमिट के नीचे वाला कैसे हम लोग वेरिएशन देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा, तो टी भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, और ये बाहर के है। और हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट ये जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन होता है, तो आंसर क्या आ गया, के इंटू वन आंसर हो गया, के हो गया। ये तो एक तरीका है ना, जो एडजस्ट करके आपको एग्जाम में दिखाना है, स्कूल एग्जाम में। बाकी दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग द सीरीज एक्सपेंशन, जो आपको कंपटीशन के लिए काम देगा, है ना। वो कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं लिमिट एक्स मेथड टू लिख दे रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स की सीरीज होती है, ठीक है, वो लिखवाए थे हम लास्ट टर्न पे, तो एक्स अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा आप साइन के एक्स वन अपॉन एक्स, और साइन के एक्स को लिख सकते हो के एक्स माइनस के एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस के एक्स की पावर फाइव अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव। ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी, एंडलेस स्टोरी है ये, है ना। अब यहां से आप क्या कॉमन कर लीजिए, के एक्स कॉमन कर लीजिए, तो जो इनडिटर्मिनेंसी है वो रिमूव होने वाली है थोड़ी देर में, तो के एक्स कॉमन कर लिया, बाहर एक्स था ही, अंदर क्या बच गया, वन बच गया, यहाँ तीन था तो दो बचे हैं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री है, और यहाँ पे के की पावर फोर और एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव। इसका मतलब एक्सेप्ट टू द फर्स्ट टर्म, इस टर्म को छोड़ के, है ना, सबके पास x मौजूद है, और x मौजूद है तो ये तो x कट गया, तो x हम जीरो प्लेस कर देंगे और वो फाइनाइट आ रहा है, इनडिटर्मिनेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आगे सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सब x कंटेनिंग टर्म है, सबके सब जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट टू फर्स्ट टर्म, तो आंसर k इंटू वन आ जाएगा जब x की वैल्यू हम जीरो प्लेस करेंगे, तो हम कह देंगे ये आ जाएगा आपका That comes out to be k, और अंदर हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये आंसर आ गया k, that is the second way प्रूफ करने का हो गया। ये बात समझ आ गया ना, तो ये सीरीज हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब जे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। बोर्ड का करना है तो आप ऐसे एडजस्ट करना सीखिए कि जो भी यहाँ पे साइन थीटा है वो सेम न्यूमरेटर बना डिनोमेटर बनाने की कोशिश करिए और एडजस्ट कर लीजिए, है ना, फिर आगे प्रोसीड करिए, ठीक, तो नोट कर लो। नहीं स्टार्ट हुआ, बोला नहीं, हो गया है, नहीं नहीं चल।
ठीक, देखो तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है e की पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ठीक है, इसकी वैल्यू वन होती है। और इन जनरल अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो है और e की पावर kx है माइनस वन अपॉन x है तो इसकी वैल्यू k होती है, ठीक। तो आप ये याद रखते हो, है ना, और k की वैल्यू जब वन हो जाएगी तो ये अपने आप ये हो जाएगा, तो आप याद ये रखते हो, लेकिन एडजस्ट करके, जैसे हमने साइन को एडजस्ट किया है वैसे एडजस्ट करके दिखाते हो, है ना, स्कूल एग्जाम में। खैर, हम पहले ऊपर वाले को प्रूफ करते हैं जो बेसिक है ना? तो उससे पहले हम लोग प्रूफ करें, सीरीज देख लेते हैं, सारी चीजें सीरीज से ही प्रूफ करें। e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन क्या होता है फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये e की पावर x का एक्सपेंशन है ना, एलजेब्रिक वर्जन हम कह सकते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक। अब अगर हम लोग देखें यहां पे इसको इस्तेमाल करें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो e की पावर x यहां पे ये रख दें क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसे ही फैक्टोरियल लिखते हैं ना, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, या ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं और माइनस वन भी है, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट हम यहां लगा देते हैं, होल अपॉन क्या हो गया x हो गया। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करते तो वो इनडिटर्मिनेंट आती। देखो e की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो एक्सेप्ट टू जीरो, है ना नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो हमेशा वन होता है, तो ये वन माइनस वन जीरो हो गया और नीचे भी जीरो हो गया, तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसीलिए हम लोग सीरीज को इस्तेमाल किए हैं टू रिमूव द इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, तब ये एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ये बात समझ में है। तो अब देखिए ये वन और ये वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इससे एक्स कॉमन कर लिया हमने और वो इस एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, हम कहेंगे यहां पे वन बचा, वन अपॉन वन का फैक्टोरियल है कि नहीं, और प्लस यहां दो एक्स थे, एक एक्स कॉमन हो चुका है तो एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू बचा और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री बचा, ऐसे सब बचे हैं, है ना, और यहां ये भी बचा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब लिमिट एक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो प्लेस कर देंगे, जीरो प्लेस करते ही हम चेक करेंगे कहीं अभी भी तो नहीं इंडिटर्मिनेंट आ रही है, तो आंसर है नहीं, अब क्या हो गई है, डिटर्मिनेंट हो गई, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हम कह देंगे ये आ गया वन अपॉन वन का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल वन होता है, तो वन अपॉन वन का फैक्टोरियल वन हो गया, तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो ये सब एंडलेस है, तो आंसर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको डील करते e की पावर kx माइनस वन अपॉन x को, तो यहां पे x की जगह पे kx होता सीरीज में, जब भी एक्सपेंशन करते हैं हम, यहां पे क्या हो जाता kx का होल स्क्वायर होता, ठीक है, kx का होल क्यूब होता, इसका मतलब जो हम यहां से x कॉमन कर रहे थे क्या कॉमन करते, kx कॉमन करते, है ना, या यही रहता kx कॉमन नहीं करते, क्या हो जाता, वन वन कट जाता, ठीक है, वन वन कट जाता, तो हाँ kx कॉमन हो गया, और kx जब कॉमन होगा तो उसका x तो कट जाएगा लेकिन k क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और यहां पे k तो रहेगा ही रहेगा, यहां भी k रहेगा, तो अब ये बताइए k सरवाइव कर रहा है लेकिन अंदर वाला k तो सरवाइव नहीं कर रहा है, कौन सरवाइव कर रहा है, जो कॉमन हो गया, जो kx के साथ कॉमन हुआ था वो k सरवाइव कर रहा है और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे एक्स के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, इसीलिए हम लोग ये याद रखते हैं, है ना, इन जनरल कि e की पावर kx माइनस वन अपॉन एक्स है तो उसका आंसर क्या आएगा, के आएगा।
हाँ सिर्फ e की पावर x था ना, अगर हम e की पावर kx को एक्सपेंड करते तो क्या हो जाता, जहां x रखे वहां kx रखते, ये kx हो जाता, k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता, ऐसे हो जाता। हाँ 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 रख तो दिया है, देखो kx kx का स्क्वायर, ठीक ये याद ऐसे रखते हैं अप्लाई करने के लिए, है ना, एप्लीकेशन इसी टर्म में होता है। चलो इसको नोट करना, वीडियोस नोट करना है ना, हटा दे रहे हैं, अगला बता दे। देखो अब ये रिजल्ट आपके रिजल्ट में ऐड हो गया है ना, अभी जब डेरिवेटिव बताएंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं दिया एनसीईआरटी में बेस्ड, लेकिन जब डेरिवेटिव का हम डेरिवेशन करेंगे या उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है तो सब जरूरत पड़ेगी। तो तीसरे हमने अपने पास रिजल्ट ऐड कर लिया, क्या लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो और e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये वन होता है, और साइमल्टेनियसली हमने ऐड कर लिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो e की पावर kx माइनस वन अपॉन x k होता है, ठीक है। ये दो रिजल्ट हम लोगों ने ऐड कर लिए, और दो रिजल्ट और हमारे पास, हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो है और वन माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर है, ये इवेल्युएट करना है या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जब डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करोगे तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो cos जीरो क्या होता है वन होता है, और वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, न्यूमरेटर हो गया जीरो और डिनोमिनेटर भी क्या हो गया जीरो को अप्रोच करा, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट है, इसका मतलब कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करने के लिए। तो अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है उसमें से कोई डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, अपने आप वर्क करेगा। तो वन माइनस कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स, एंगल हो गया आधा, यहां टू एक्स हुआ करता था, अब क्या हो गया एक्स हो गया अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो हो गया, दैट मीन्स टू कॉन्स्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट अंदर घुस जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एलजेब्रिक फंक्शन है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर और बाहर जा सकता है, तो लिमिट क्या हो गया अंदर चला जाएगा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो क्या होता है वन होता है, तो ये क्या हो गया वन का स्क्वायर टू, तो आंसर क्या आ गया टू आ गया, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है ना, रिजल्ट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू क्या आ गई टू आ गई, नोट करो। हाँ ये टू यहां से जो गया था बाहर वही तो है, पास करो पास कर रहे कर। देखो तो हमने कहा कि वही क्वेश्चन अपडेटेड मोड में है, कि अगर हम जो स्क्वायर पहले लिखा हुआ था उसको हमने रिमूव कर दिया, अब ये नया क्वेश्चन हो गया, हमें इसे डील करना है, देखते हैं। तो हमारे लिए वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अभी भी वैसे ही लगेगा, टू साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन क्या हो गया एक्स हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए अपने फायदे के हिसाब से, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो तो बाहर कर देते हैं हम लोग, ठीक, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, अब देखिए हमें इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स तो स्टैंडर्ड लिमिट दिख रही है, इसको अलग कर देते हैं इनटू एक साइन एक्स, हम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं, ये बात समझ में आया ना, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये लिमिट क्या हो जाएगी ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों को अलग अलग डील कर लेगी। तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू कोई भी ए है और एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन अलग अलग, तो ये लिमिट दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बशर्ते दोनों क्या होने चाहिए फाइनाइट होने चाहिए, ये बात समझ में आया ना, इनडिटर्मिनेंट नहीं होने चाहिए। तो हमने कहा कि ये तो फाइनाइट है ही है, वन आने वाला है और ये भी फाइनाइट है,
जीरो आने वाला है वो भी फाइनाइट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। तो क्या कहेंगे, दैट इज टू इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, हमारे रिजल्ट में पड़ी हुई है, वन है, लेकिन यहाँ पे ये फाइनाइट लिमिट है, डिटर्मिनेंट है, एक्स जीरो प्लेस कर दीजिए और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये क्या हो गया, जीरो। अब इस जीरो की वजह से पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसका आंसर आ गया जीरो। नोट करो, तो इधर डन करके रहता है। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन बदल लिया, यहां का टू यहां ले लिए। अब इसको दो तरीका करने का है ना, पहले पहली बात ये इनडिटर्मिनेंट है, एक्स डायरेक्ट जीरो जाएंगे प्लेस करने के लिए तो वो इनडिटर्मिनेंट आ रहा है, जीरो बाई जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमें इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करनी है। एक तरीका हो गया कि वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दें, टू साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल होता है यहाँ पे उसका आधा हो जाता है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो हो गया, टू कॉन्स्टेंट बाहर आने वाला है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और ये साइन एक्स बाई टू होल अपॉन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर, लिमिट अंदर भी कर लिए, दोनों बातें कर लिए क्योंकि स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब ये देखिए साइन के एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, वन बाई टू, क्योंकि यहाँ के क्या है, वन बाई टू है, इसका मतलब अंदर वन बाई टू आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, और ये टू बाहर पड़ा हुआ है, तो क्या दिख रहा है आंसर, वन बाई फोर इंटू टू, वन बाई टू आ गया। एक तरीका है, लेकिन यही इकलौता तरीका नहीं है, मेथड नंबर टू, मेथड टू हो गया। अगर हम लोग इसे क्या कर लें, क्या कर लें, कॉन्जुगेशन कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, तो जब यहां पे वन माइनस कॉस एक्स है ना, और क्या कर लोगे आप, वन प्लस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होने वाला है, वन प्लस कॉस एक्स। ये लाइन समझ में आई, हमने क्या किया, वन प्लस कॉस एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो लिख देते हैं वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो ये ए माइनस बी और ये क्या है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाने वाला है, बी स्क्वायर, तो हम वन का स्क्वायर और क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, और वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और वन अपॉन क्या हो गया, वन प्लस कॉस एक्स। स्ट्रक्चर देखो, डिवाइड करने की सोचो, है ना, अगर हम इसको अलग कर दें तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर मतलब वन आ जाएगा, लेकिन ये फाइनाइट है, यहां एक्स जीरो डालने पे कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, कोई इनडिटर्मिनेंट नहीं आ रहा है, यहां वैल्यू डाल देंगे हम लोग क्योंकि फाइनाइट है, तो दोनों अलग अलग डील कर लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये वन हो गया, और ये क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो फिर से कितना आ गया, वन बाई, तो मेथड दो है लेकिन आंसर तो वही रहना है, ठीक, नोट करो। तो बताओ मानसी, टेन को क्या, अभी तो ये डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो क्या किया जाए, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा जाए, तो क्या लिखेंगे, साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, हमने जानबूझ के लिखा क्योंकि मेरा काम बनने वाला है, और अपॉन क्या लिख दिया, कॉस ऑफ थ्री एक्स, ये सब क्वेश्चन में आगे नहीं है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब क्या करें, आगे का रास्ता बताओ,
इसका मतलब ये तो साइन के एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, इसका आंसर के हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है ये फाइनाइट है क्योंकि जीरो डालते ही कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो हमें चिंता ही नहीं करनी है। इसका मतलब कैसे स्प्लिट करना है पूरे स्ट्रक्चर को दिख रहा है हमें, बाउंड्री यहां से अलग स्प्लिट कर देंगे। तो हम कहेंगे दिस कुड बी रिटेन एज ए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन बाई कॉस थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री और वो हो जाएगा वन बाई कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो थ्री इंटू वन अपॉन वन मतलब थ्री हो गया आंसर। ठीक, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि पहली नजर में ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट है, ले साइन देखते ही आपको याद आना चाहिए साइन एक्स अपॉन एक्स कास हो जाता, तो हम उसे वन लिख देते, तो वो कास बहुत दूर नहीं है। आप क्या करोगे, एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ए एक्स एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन बी साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स कॉमन होके कटने वाला है, कट जाएगा, जो बचेगा वो फाइनाइट आएगा, ए प्लस कॉस जीरो वन होता है ना, ए प्लस वन आएगा बसरते ए माइनस वन ना हो, है ना, ए माइनस वन हो जाएगा तो फिर से वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम ये क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी वन, चाहे बी कुछ भी होता रहे, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये ए प्लस वन अपॉन क्या आने वाला है, बी आने वाला है, बस हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, फाइनाइट है इसलिए एलजेब्रा ऑफ लिमिट हमें अलाउ करती है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डील कर सकते हो। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए प्लस कॉस एक्स, एक्स कैंसिल कॉमन करके कैंसिल करने के बाद ये बचेगा अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, बी कॉमन लिमिट से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट था एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या यूज करेंगे हम, वन यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस कॉस जीरो वन होता है और b और यहां पे वन आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, a प्लस वन अपॉन b आ गया, दैट इज आंसर। तो देखो सेम क्वेश्चन है, इसको सिंपली x से डिवाइड कर देंगे, साइन x देखते ही समझ में आना चाहिए, साइन x अपॉन x एडजस्ट करना है ना, तो ये क्या हो गया, साइन हमने क्या किया, x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, होल अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन क्या हो गया, x, लिमिट अभी ये वेट कर रहा है कि चल क्या रहा है ना। अब देखो इस x को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब इसके नीचे अलग लिख देंगे और इसके नीचे अलग लिख देंगे, है ना, तो ये तो x कट जाएगा और ये sin x upon x क्या होने वाला है, sin ax upon x, a आ जाएगा, sin kx upon x, k होता था तो ये a हो जाएगा, इसी तरह से यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अपॉन x कर दिया, अपॉन x कर दिया, ये कट गया, यहां पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो यहां से अलग अलग लिमिट कर देंगे तो a प्लस बी और नीचे भी क्या हो गया, a प्लस बी, और ये कट जाएगा पूरा एज होल कटेगा, एक एक नहीं कटेगा ना, तब क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो दिग्विजय को मैदान में लगी तो लोग क्या, ठीक है, चलो बस।